जो गाड़ी फंस गया, पैदल जैसे जाना पड़ता था, वो देख करके हमको नहीं रहा गया, जो हम अपना रुपया पैसा लगा करके इसको भरवाए हैं। इस सरकार से किसान आदमी हो के 300 गाड़ी जो डलवाए हैं, कहाँ से लाए इतना पैसा, कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से लावे हैं, कमाए हैं? कम से कम 8 दिन हमको लगा है। 8 दिन? जी हाँ। तो 300 10 को ट्रैक्टर चलता था, इसमें डोजर चलता था। कितना डोजर? 1 चलता था। तो हम है सूरज कुमार, आप देख रहे हैं KDL न्यूज। तो अभी हम आ चुके, जैसे अभी बता रहे थे, हम नवादा संसदीय क्षेत्र के ग्राम डेलुआ पिपरा में है, और ये गोविंदपुर प्रखंड। हमारा नाम सिद्धेश्वर है सर। सिद्धेश्वर महतो? महतो जी है। हाँ। अच्छा, सब बोला जा रहा है कि इस जो रोड में जो अथी लगा गया है, ईटा भरा डाला हुआ है, ये आप डलवाए हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, आप विधायक है यहाँ के? विधायक नहीं है, ये गरीब है, लेकिन फिर भी हम इतना मेहनत किए। मुखिया भी है? नहीं। पंचायत समिति है? नहीं। जिला परिषद है? नहीं। संसद है? कुछ नहीं। ये कुछ किसान आदमी है। किसान आदमी हो के 300 गाड़ी जो डलवाए हैं, कहाँ से लाए इतना पैसा, कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से लावे हैं? कमाए हैं। कमाए? अपना कमाई का बुद्धि, अपना कमाई का लगाए हैं इसमें। देखिए, ये बिहार है, यहाँ हर व्यक्ति जागरूक होते हैं। अच्छा, ये जो काम किए किसके लिए किए? ग्रामीण का बेटी बहू पढ़ने जाए, आने जाने में सुविधा होता था, इसके लिए देखे हुए? जनता के लिए। ये बात सही है जी? आए करवाए थे? देखिए, ये करवाए थे। अच्छा चाचा, आप जो भी करवाए, तो क्या आपको माइंड में लगा कि हमारे इस रोड में, इस नदी में रोड नहीं है, हम इसको क्यों करवाएं? आपको क्या मन में ख्याल आया? कुछ भी शांति मिले, कुछ भी शांति, कुछ हल्का भी शांति मिले, इसीलिए भरवाए थे। गाड़ी लेडीज लोग जाती थी, जो गाड़ी फंस गया, पैदल जैसे जाना पड़ता था, वो देख करके हमको नहीं रहा गया, जो हम अपना रुपया पैसा लगा करके इसको भरवाए हैं। इस सरकार से कभी अनुरोध नहीं किया? सरकार को कभी बताए नहीं? सरकार को हम क्या बताए? सरकार तो आएवे करते हैं, जेबे करते हैं, देखते देखिए रहे हैं। अरे यहाँ आपका संसद, आपका 5 साल रह चुका है, अब संसद से कुछ उम्मीद लगाए थे? उम्मीद तो हम लगाए थे, लेकिन उम्मीद सब झूठा हो रहा है, अब तक तो झूठा है, लेकिन सच्चा जब होगा तब ना हम लोग जाने। तो संसद से बड़ा तो आप ही काम किए चाचा, की 300 गाड़ी। हाँ, 1-2 गाड़ी नहीं, 300 गाड़ी। हाँ, 300 गाड़ी। करीबन कितना दिन आपको लगा इस काम को कराने? ये काम कराने में लगा कम से कम 8 दिन हमको लगा है। 8 दिन? जी हाँ। तो 300 ट्रैक्टर चलता था इसमें, डोजर चलता था। कितना डोजर? 1 चलता था भट्टा पर। भट्टा पर? जी हाँ। ट्रैक्टर कितना? ट्रैक्टर 10 गो। 10 गो? हाँ। बहुत ज्यादा आपका हम निर्णय लिए। 8 दिन में इसको हम भरवाए हैं। 8 दिन में? हाँ, 8 दिन में भराए। अगर कोई सरकारी काम होता तो 1 महीना लगता, लेकिन आप अपने 8 दिन बनाया। देखिए, हम थोड़ा इधर कैमरामैन से बोलेंगे दिखाने के लिए, देखिए कैसे मिट्टी भरवाए हुए हैं, ताकि गाड़ी आ जा रही है, और ये इनके कर्तव्य से हुआ, क्योंकि ना ये विधायक है, ना ये मुखिया है, ना ये संसद। अगर माना जाए तो वो मांझी ना माउंटेन पहाड़ तोड़कर अपना गांव का रास्ता बनाए, लेकिन ये वैसे मांझी है, वैसे ही माउंटेन आदमी निकले, वैसे ही महान व्यक्ति निकले, जो अपने ग्राम को बाजार की ओर ले जाने का रास्ता नहीं रहने के कारण 300 गाड़ी मिट्टी ईटा को ये अपने पैसों के कारण ये पूरा रोड पे लगा दिए। रोड में लगाए ना जी? ये चाहे काम किए तो आपका घर में बेटा उठा नहीं बोला कुछ? बेटा उठा सब था, लेकिन बेटा क्या कहेगा? तो बोल रहा होगा बेटा की भाऊ पगला गया, हमारे पैसा लगा दे रहे एकरा में, नहीं नहीं बना लेते हैं, हमारा दे देते तो ये कैसे कहेगा? उसको भी तो ममता है कि जनता के लिए, जनता के लिए कर रहा है हमारा बाप, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, ये मतलब आपका ग्रामीण के लिए जो प्यार था उसके लिए किया? जी हाँ। मतलब ग्रामीण साहब को इतना ज्यादा प्यार? हाँ, है? हाँ, हाँ। तो यहाँ ग्रामीण आपको सपोर्ट करते हैं? कहे नहीं करेगा। हाँ? अगर करता नहीं तो ये लोग कहता भी नहीं। कहता भी नहीं? नहीं। देखिए, ये वैसे व्यक्ति है जो अपने ग्रामीण के लिए, अपने जनता, आने जाने वाले जनता के लिए, यातायात नियमों के लिए इन्होंने पूरा यहाँ पर लगभग 300 गाड़ी ईंटें बिछवा दिए, रोड बनवा दिए 1.5 किलोमीटर के अंदाज में, ताकि यहाँ पे आ जा सके। ये बात सही है चाचा? हाँ सही है। आए? सही है। ये कौन बनवा, जो मिट्टी भरवाए कौन बनवाए? क्या नाम हुआ उनका? उनका सिद्धेश्वर महतो। सिद्धेश्वर महतो वही बनवाए हैं? हाँ। तो अब आपको अच्छा लगता है, आने जाने में कुछ सुविधा हुआ थोड़ा? हाँ, बहुत थोड़ा बहुत, मैंने जो भराए नहीं जो, तो दह गया ने, पूरा था भरा हुआ, तो दह गया कुछ पानी से। अच्छा, मतलब फिर पानी आया तो फिर दह गया? दह गया, दह गया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, और हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर चौधरी। अभी जो बता रहे थे महतो जी की हम अपने लागत से पूरा बनाए हैं, रोड निर्माण किए हैं, ये बात सही है की गलत है? सही है, सही है।
कितने दिन लगा इसको निर्माण करने? बोल रहा 8 दिन लगा है। 8 दिन लगा है। निर्माण होने के बाद आप लोग आवागमन किए थे इससे? हाँ, चलते थे, गाड़ी निकल जाता था आराम से निकल जाता था। आने जाने में दिक्कत नहीं होता था? कोई दिक्कत नहीं, मट्टी भरा रहता था। लेकिन अब जो पानी के कारण दहा गया, सुखरुखा है तो चलेगा, फिर बारिश में तो वही धंधा हो जाएगा, बारिश होगा तो आ जाएगा। क्या अब ये दिख रहा है? नहीं, अब ये दिख रहा है ईटा। देखिए ईटा जो है वही लगाए थे, ये सब ईटा लगवाए थे। देखिए ईटा अभी भी दिख रहा है, मंगला भट्टा ही लगाते थे। देखिए यहाँ का जितने बच्चे हैं सब में उत्सुक है, ग्रामीण में भी, कि आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। तो हमारे वीडियो जितने भी भाई बहन देख रहे, कृपया एक बार शेयर जरूर करें, ताकि और अच्छे से अच्छे न्यूज आपको तक पहुँचाते रहे। चलिए, धन्यवाद।